लेकर इस बीच बीजेपी की तीसरी सूची का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और कांग्रेस की चौथी लिस्ट को लेकर मंथन किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार तीसरी लिस्ट को लेकर मंथन कर रही है। कल दिल्ली में राजस्थान कोर ग्रुप की एक बड़ी बैठक होगी और आज रात तक बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिसके बाद कल की बैठक में मौजूद रहेंगे। शेष बची 76 जो सीटें हैं उन्हें लेकर अंतिम सहमति बनाई जाएगी। ये 76 सीटें बीजेपी के लिए लगातार बड़ा चैलेंज बनी हुई है। 76 सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं, इसे लेकर कल मंथन किया जाएगा। कल का बैठक महत्वपूर्ण है और इस बैठक में अंतिम मोहर लग जाएगी उन सीटों पर जिन्हें लेकर संशय लगातार बरकरार है और सभी चिकित्सार्थियों की नजर इन 76 नामों पर टिकी हुई है। 1 नवंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। भाजपा से इसी बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी, तो कल भी चर्चा की जाएगी और 1 नवंबर को जो सीसी की बैठक होने वाली है इस बैठक में इस लिस्ट पर फाइनल मुहर लग जाएगी। राजस्थान में अब तक 124 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की ओर से 124 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन अभी जो शेष नाम है 76 उन्हें लेकर कल एक बड़ी चर्चा की जाएगी। तो सूत्रों की माने तो राजस्थान में कुल 76 नामों पर चर्चा पूरी भी हो चुकी है, बस दिल्ली में बैठक के बाद लिस्ट जारी हो सकती है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महासंग्राम 2023 से जुड़ी बीजेपी की तीसरी लिस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, उन नामों पर चर्चा और मंथन भी किया जाएगा। तो जो 76 नाम बचे हुए हैं इनमें से माना जा रहा है कुछ सीट ऐसे हैं जिन्हें लेकर फैसला कर लिया गया है, वो नाम तय कर लिए गए, लेकिन अभी भी कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें लेकर सहमति नहीं बन पाई है और यही नाम बीजेपी के लिए लगातार चैलेंज बने हुए हैं। सीटों से किसे बतौर उम्मीदवार उतारा जाए जिसके बाद पार्टी को विरोध भी ना करना पड़े, और कल इसी को लेकर बैठक में खास चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दो लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ा है, ऐसे में अब बीजेपी को सोच समझ कर फैसला करना होगा। यही वजह है कि कल जो बैठक होगी इसमें एक बार फिर से उन नामों को लेकर चर्चा की जाएगी जिन नामों को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्या किया, बवाल मच गया, ये खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।